नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहन चित्रे है और आज मैं आपको संख्या पद्धति के बारे में सिखाने वाला हूं। ये सूची है, हम इस वीडियो में ये सब सीखने वाले हैं। तो आपने पहली कक्षा में परिमेय संख्या के बारे में तो सीखा ही होगा। परिमेय संख्या के दो उपविभाजन हैं, पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स, जैसे कि 1, 2, 3, माइनस 5, और भिन्न मतलब फ्रैक्शंस, जैसे 1 बाय 3, 3 बाय 4, 5 बाय 7। पूर्णांक के भी दो उपविभाजन हैं, ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या। ऋणात्मक संख्या मतलब नेगेटिव नंबर्स, नंबर्स जो शून्य से छोटे हैं, जैसे माइनस 5, माइनस 7, और पूर्ण संख्या मतलब शून्य और जो संख्या शून्य से बड़ी है। पूर्ण संख्या के दो उपविभाजन है, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर्स और शून्य। संख्या रेखा के बारे में सीखते हैं। ये संख्या रेखा है, यहाँ पे शून्य है। शून्य की दाई ओर प्राकृतिक संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर इनमें शून्य भी मान लिया जाए तो इन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। शून्य की बाई ओर ऋणात्मक संख्या है, -5, -4, और इन सब संख्याओं को मिला के हमें भिन्न मिलते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा सीखते हैं। R को एक परिमेय संख्या कहा जा सकता है, यदि R को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ P और Q पूर्णांक है, Q शून्य नहीं है और P और Q अभाज्य संख्या है। एक उदाहरण के लिए, 3/4 एक परिमेय संख्या है, 3 और 4 पूर्णांक है, ये शून्य नहीं है और 3 और 4 अभाज्य है। अभी कुछ प्रश्न करते हैं। इन दोनों वाक्यों में से सही वाक्य कौन सा है? हर पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है, हर परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो वीडियो पॉज कीजिए और इसके बारे में सोचिए। तो इसमें सही जवाब है ये, हर पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम किसी भी पूर्ण संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 4। 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं और ये एक परिमेय संख्या है। संख्या के बारे में तो हमें बहुत कुछ पता है, तो अपरिमेय संख्या के बारे में सीखते हैं। यदि किसी संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। कुछ उदाहरण के लिए, √2, √3, π, 0.10110111. तो अभी प्रश्न ये पड़ता है कि क्या हम एक अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। हम एक मात्रक लंबाई की भुजा वाला वर्ग संख्या रेखा पर बनाते हैं, जिसका एक कोना शून्य पे है और दूसरा कोना एक पे। पाइथागोरस थ्योरम से हमें मालूम है कि इसका विकर्ण √2 लंबाई का है। अगर इसे कंपास से नीचे लाया जाए तो हमें √2 का स्थान संख्या रेखा पर मिल जाएगा। हम ऐसे ही √3 का स्थान संख्या रेखा पर ढूंढ सकते हैं। हमें बस एक मात्रक लंबाई की रेखा बनानी है जहां ये 90 डिग्रीज हो, और पाइथागोरस थ्योरम से हमें मालूम है कि इसकी लंबाई √3 है। और अगर इसी को कुछ ऐसे ही कंपास से नीचे लाया जाए तो हमें √3 का स्थान मिल जाएगा। पहली तरकीब से कोई भी अपरिमेय संख्या का स्थान संख्या रेखा पर नहीं दिखाया जा सकता, जैसे √2.5 का स्थान संख्या रेखा पर दिखाने में बहुत कठिनाई होगी। इसलिए हम नई तरकीब इस्तेमाल करते हैं। हम पहले संख्या रेखा बनाते हैं। ये हमारी संख्या रेखा है
और यहाँ शून्य है। फिर हम एक मात्रक लंबाई की रेखा इस ओर बनाते हैं और 2.5 मात्रक लंबाई की रेखा इस ओर। हमने यहाँ 2.5 मात्रक लंबाई इसलिए ली है क्योंकि हमें रूट 2.5 का प्रतिनिधित्व करना है। फिर इस रेखा को व्यास मान के हम एक अर्धवृत्त बनाते हैं और फिर अगर शून्य से एक सीधी रेखा बनाई जाए तो इस रेखा की लंबाई रूट 2.5 होगी। ऐसा क्यों? ये आप खुद पाइथागोरस थ्योरम से देख सकते हैं। तो अभी इस रेखा को कंपस से नीचे लाया जाए तो हमें रूट 2.5 का स्थान संख्या रेखा पर मिल जाएगा। अगर हमारी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को मिलाया जाए तो वास्तविक संख्या मिलती है। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। दुनिया की हर एक संख्या एक वास्तविक संख्या है। हर एक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। वैसे ही संख्या रेखा पे कोई भी बिंदु को एक वास्तविक संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार यानी उनके डेसिमल एक्सपांशन के बारे में सीखते हैं। पहले 7 दशमलव के बारे में सीखते हैं। 7 दशमलव को टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। इनका शेष कुछ चरणों बाद शून्य हो जाता है। कुछ उदाहरण के लिए 1/2 इक्वल 0.5, 3/4 इक्वल 0.75। इनका शेष शून्य हो रहा है इसलिए इन्हें सांत यानी टर्मिनेटिंग डेसिमलव कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, इनका दशमलव प्रसार जारी रहता है और इनके दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति होती है, यानी कि कुछ संख्या है इनके दशमलव प्रसार में हमें दोबारा दिखाई देने लगती है। उदाहरण के लिए 1/3 इक्वल 0.333 डॉट। यहाँ 3 की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए हम इसे 0.3 बार भी कहते हैं। ये बार का मतलब है कि यहाँ 3 की पुनरावृत्ति होती है। और 22/7 इक्वल्स 3.142857 बार, यानी इधर 142857 की पुनरावृत्ति हो रही है। अनवसानी अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इनका दशमलव प्रसार जारी ही रहता है और इनके दशमलव प्रसार में कभी पुनरावृत्ति भी नहीं होती है। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये किस प्रकार की संख्या होगी? हाँ, ये अपरिमेय संख्याएं होंगी, जैसे रूट टू, रूट थ्री। रूट टू इक्वल्स 1.4142 .. इसका दशमलव प्रसार जारी ही रहता है और कभी भी पुनरावृत्ति नहीं दिखती। एक और उदाहरण है पाई इक्वल्स 3.14159 .. आप कुछ प्रश्न करते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि ये किस प्रकार के दशमलव प्रसार है। 3/8 इक्वल्स 0.375, इसका शेष शून्य हो रहा है इसलिए ये तो 7 दशमलव है। 1/9 इक्वल्स 0.111 .. इसका शेष शून्य कभी नहीं होता और 1 की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए ये अनवसानी आवर्ती है। रूट 5, ये तो अपरिमेय संख्या है इसलिए इसमें कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होगी और ये एक अनवसानी अनावर्ती दशमलव है। एक अनवसानी आवर्ती दशमलव भी एक परिमेय संख्या है इसलिए हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। x equals 0.3333, हमें इसे p/q के रूप में लिखना है। तो यहाँ 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए हम 10 से गुना कर रहे हैं। 10x equals 3.333, बट हमें मालूम है कि 3.333 3 plus x है क्योंकि x 0.333 है। तो x को बाई ओर लाने पे 9x equals 3 और x equals 1/3। हमने इसे एक अनवसानी आवर्ती दशमलव को p/q के रूप में लिख लिया। एक और उदाहरण लेते हैं।
यहाँ पर x इक्वल्स 1.2727, यहाँ पे 2 और 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम यहाँ 100 से गुना करेंगे। 100x इक्वल्स 127.2727 और इसे हम 126 प्लस 1.2727 लिख सकते हैं, जो है 126 प्लस x, मतलब 99x इक्वल्स 126। x इक्वल्स 126 बाय 99 जो है 14/11। हमने इसे p बाय q के रूप में लिख लिया है। तो अभी कुछ प्रश्नों, आप इन अनवसानी आवर्ती दशमलव को p बाय q के रूप में लिखिए। हम दुनिया की कोई भी वास्तविक संख्या का प्रतिनिधित्व संख्या रेखा पर कर सकते हैं। अभी हम 3/8 का प्रतिनिधित्व संख्या रेखा पर करने की कोशिश करते हैं। ये संख्या रेखा है, यहाँ पे शून्य है और यहाँ पे एक है, तो 3/8 शून्य और एक के बीच में ही कहीं पर होगा। हम शून्य और एक के बीच की इस संख्या रेखा को बड़ा करते हैं, तो अभी हमारी संख्या रेखा ऐसी दिख रही है। और देखिए 3/8 यहाँ पर है। ऐसे ही हम किसी भी वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। अब देखते हैं वास्तविक संख्या पर संक्रियाएं कैसे की जा सकती है। मैंने यहाँ कुछ फॉर्मूले दिए हैं। रूट एक्स वाई इक्वल्स रूट एक्स इंटू रूट वाई, रूट एक्स डिवाइडेड बाय वाई इक्वल्स रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट वाई। तो हम इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। एक उदाहरण के लिए 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3। हम रूट 15 को रूट 3 इंटू 5 लिख सकते हैं और वो बन जाता है 8√3 इंटू रूट 5 डिवाइडेड बाय 2√3। और यहाँ रूट 3 रूट 3 कटने पे हमें 4√5 मिलता है। वैसे ही 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5 को मल्टीप्लाई करने पर हमें 5 इंटू 2 10, 5 इंटू रूट 5 5√5, रूट 7 इंटू 2 2√7 और रूट 7 इंटू रूट 5 √35 मिलता है। अब परिमेयकरण मतलब रैशनलाइजेशन के बारे में सीखते हैं। किसी भी वास्तविक संख्या का हल अगर अपरिमेय हो तो उसकी संक्रियाओं में दिक्कत होती है, इसलिए हम हर को परिमेय बना देते हैं। वो कैसे? हम इसका इस्तेमाल करते हैं। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक उदाहरण देखते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस रूट 5। हम इसका परिमेयकरण करने के लिए 3 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो ये बन जाता है 3 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर, जो कि है 9 माइनस 5 मतलब 4। एक और उदाहरण, 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस रूट 2। यहाँ पर हम इसे रूट 3 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो इसका हर बन जाता है रूट 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर, जो कि है 1, और हमें रूट 3 माइनस रूट 2 मिलता है। तो अब इसके कुछ सवाल करते हैं। आपको इन तीन वास्तविक संख्याओं के परिमेयकरण करके इन्हें सरल करना है। वास्तविक संख्या के लिए घातांक नियम देखते हैं, यानी एक्सपोनेंट रूल फॉर रियल नंबर्स। आपने ये पहली कक्षाओं में भी देखे ही है, बट मैं फिर भी यहाँ फॉर्मूला आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ x और y वास्तविक संख्या है और m और n पूर्णांक है। अब इसके ही कुछ उदाहरण देखते हैं। 23⁻⁷ डिवाइडेड बाय 23⁻⁸, ये बनता है 23⁻⁷ प्लस 8, जो कि है 23⁻⁰ मतलब 23। 2⁻⁴ इंटू 2⁻³⁴, ये बनता है 2⁻⁴ प्लस 3/4। 1/4 प्लस 3/4 इज 1, तो ये बनता है 2⁻⁰ मतलब 2। 64⁻², तो 64 तो 8 स्क्वायर है और ये 2 इंटू हाफ, इसमें 2 2 कटता है और हमें 8 मिलता है।
तो अभी ये आपके लिए कुछ प्रश्न, आपको इन्हें सरल करना है। तो अब संख्या पद्धति ये पार्ट समाप्त हो गया है। वीडियो पर क्लिक करने के लिए धन्यवाद।